हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विकास यूनिवर्सिटी में। मेरा नाम है विकास शर्मा और आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ्लैश फिल के बारे में। ठीक है, तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक टेबल ले रखा है जिसमें यहाँ पे मैंने कुछ डेटा ले रखा है। ठीक है, अब डेटा में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बंदे का फर्स्ट नेम है, यहाँ पे लास्ट नेम है और यहाँ पे उसका रीजन है। ठीक है, सभी का ऐसा ही है। बट हमको चाहिए क्या, हमको हमारे बॉस ने बोल दिया या ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि आप फर्स्ट नेम को अलग से लिखो अलग कॉलम में, लास्ट नेम को अलग कॉलम में लिखो और रीजन को अलग कॉलम में लिखो। तो सिंपली होता क्या है, हम एक एक करके ये लिखने लग जाते हैं अलग अलग। जैसे कि सबसे पहला क्या है, सूर्या फर्स्ट नेम है और सिंह इसका सेकेंड नेम है, लास्ट नेम है सॉरी, और रीजन क्या है इसका, नॉर्थ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम काम करते हैं। बट जो एक्सेल ने एक सुविधा प्रोवाइड की है उसका नाम है फ्लैश फिल। ठीक है, तो फ्लैश फिल में होता क्या है, हम ये अपने आप ही एक्सेल पकड़ लेता है कि किस तरीके से इसको हमने फिल करना है, कि ये जो यूजर है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो चाहता क्या है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा। अब मुझे सिंपल क्या करना है, कंट्रोल प्लस ई प्रेस करना है। तो इसने देखिए यहाँ से फर्स्ट नेम उठा दिए। अब सिंपल यहाँ पे भी जाके कंट्रोल ई मुझे प्रेस करना है और यहाँ पे भी जाके मुझे कंट्रोल ई प्रेस करना है। देखो अपने आप इसने सब कुछ ले लिया। अब मैं मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कैसे आए, यहाँ पे एस नाम आए और नॉर्थ आ जाए, एस एस सिंह और नॉर्थ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया। ठीक, अब ये क्या करेगा, अब देखिए आप, मैंने ऐसा कर लिया तो इसने क्या कर लिया, कंट्रोल ई मैंने प्रेस कर लिया था। अब इसने देख लिया क्या कर लिया, यहां से सेम टू सेम इसने उठा दिया, आर वर्मा साउथ, यहां से देखिए एस चंद्रन ईस्ट, बी मंडल नॉर्थ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि फ्लैश फिल हमारे लिए कितना यहाँ पे इफेक्टिव रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।